हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अहमद हुसैन। आपका अपना यूट्यूब चैनल है अहमद हुसैन डब्ल्यू में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आपका अगर डीएल गायब हो गया है और आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, या बिल्कुल डीएल की तरह निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं जो कि मान होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में हम सर्च करेंगे सारथी फोर, या परिवहन भी कर सकते हैं। तो ऊपर सबसे ऊपर आएगा परिवहन सेवा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे परिवहन सेवा पे .go.in। उसके बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे और इस पर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे स्टेट चुनेंगे। आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पे स्टेट चुनेंगे। स्टेट चूज करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप चाहें तो डेस्कटॉप मोड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना डीएल दोबारा निकालना है तो आपको आना है इस ऑप्शन पे डीएल सर्विस रिप्लेस ऑफ डीएल ऑब्लिक अदर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ स्क्रॉल करना है, इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, रिन्यू ऑफ डीएल, एडिशनल इशू ऑफ डुप्लीकेट, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देख लीजिए, लगभग 18 ऑप्शन हैं। लेकिन हमको इस पर कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डीएल नंबर डालना है। डीएल नंबर डालने के बाद जिसका डीएल लगेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, फ़ोटो आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एड्रेस आ गया, पूरा A to Z आ गया। आप इसको चाहें तो प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल अगर आपको डीएल की तरह चाहिए तो इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। इसी में आ जाइए नीचे, लगभग यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे और उसके बाद पिन कोड डालेंगे आप अपना, RTO चूज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे दोस्तों। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों देख लीजिए जो चिप वाला रहता है डीएल इशू होता है वो भी देखो यहाँ पे आ गया, और इसको आप चाहें तो आप ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए चिप वाला, इसको आप कार्ड पे प्रिंट करके आप अपने साथ रख सकते हैं और इसको कंफर्म करेंगे तो प्रोसेस आगे जाएगा दोस्तों, आपका कार्ड आ जाएगा। अगर आप यही प्रिंट निकाल के रखना चाहते हैं तो इसको भी आप कार्ड में बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।